Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपको सिखाऊंगी घर में फ्रेश मौसमी का जूस कैसे बनाया जाए, वो भी बिना किसी महंगी मशीन के। घर में उपलब्ध चीज से ही बहुत ही आसानी से ये मौसमी का जूस बना पाएंगे और ये फ्रेश होगा और साथ ही साथ प्योर भी होगा, जो आपको मार्केट में नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है बुरा लगता है दोनों ही केस में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं तो कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल वीडियोस पर क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने मौसमी को अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद आप इसको काटने का तरीका देखिए। जो दोनों साइड बिंदु दिए होते हैं उसके सेंटर में से रखकर हमको इसे काटना होता है, तभी इसमें से अच्छे से जूस निकल पाता है। अगर आपने इसे गलत तरीके से काटा तो जूस कम निकलता है, तो इस चीज़ का पर्टिकुलरली आप ध्यान रखिए कि आपको किस तरह से मौसमी कट करनी होती है। जैसे हम नींबू को कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको मौसमी को भी कट करना है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जूस निकल सके। आप दोबारा एक बार तरीका देखिए, दोनों बिंदुओं को पकड़कर सेंटर में से कट कीजिए। अगर आपने दोनों बिंदुओं को कट कर दिया तो ये जूस ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो जो मेरे पास ख़राब मौसमी थी वो मैंने अलग कर दी है और टोटल मिलाकर मैंने यहाँ पर 8 मौसमी का यूज़ किया है जिसमें से आधी मौसमी ख़राब हो गई थी। तो 7.5 मौसमी हैं जिसमें से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया कि 2 ग्लास जूस बनकर तैयार हो गया था और ये जूस केवल 10 मिनट में निकल कर तैयार हुआ है, जो बिल्कुल प्योर है। मार्केट में मिलावटी मिलता है लेकिन घर में प्योर होता है और बहुत ही आसानी से निकल जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। मौसमी का जूस निकालने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला चॉपर। ये कुछ इस फॉर्म में आता है कि अगर आप चाहें तो इससे सब्जियाँ भी काट सकते हैं, फल भी काट सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी कट कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह का ब्लेड दिया होता है। ये चॉपर मैंने आज से 3-4 साल पहले ख़रीदा था, उसके बाद मैंने पिजन का चॉपर ख़रीदा था तो मैं इस चॉपर को यूज़ नहीं करती थी, मेरे पास रखा हुआ था। लेकिन आजकल मौसमी का सीज़न है तो मैंने इसको यूज़ किया कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर ये मौसमी का जूस निकालने का भी दिया हुआ था। तो आप इसको कुछ इस तरह से लगाइए, इसके ऊपर जो आप गुम्बद टाइप का देख रहे हैं ना, इसी से आप मौसमी का जूस निकाल सकते हैं। और ये जो व्हाइट वाला आपने देखा, इसकी सहायता से आप लस्सी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। आपको मौसमी लेनी है और मौसमी को कुछ इस तरह से इसके ऊपर गोल गोल घुमाना है। तो आप देखेंगे कि जब आप मौसमी को इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हैं तो जूस सारा नीचे चला जाएगा और जितना भी इसका एक्स्ट्रा पल्प होता है, बीज होते हैं, वो सब कुछ ऊपर इस जाली के ही रह जाते हैं। मीन्स आप छानने के झंझट से भी बच जाते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और मुझे ये चॉपर मौसमी का जूस निकालने के लिए तो बेस्ट लगा। और सबसे खास बात, इसमें नीचे कंटेनर दिया हुआ है तो आपको मौसमी का जूस निकालने के लिए अलग से कोई बर्तन करने की भी झंझट नहीं है। और ये आता भी बहुत ही सस्ता है, मात्र 200 से 300 रुपए का मिल जाता है। और आप यहाँ पर देखिए, मौसमी के अंदर से बिल्कुल पल्प गायब है, मीन्स जूस बहुत ही अच्छे से निकाला है। जो मौसमी का जूस निकालने की मशीन्स होती हैं वो अक्सर 1,500-2,000 से कम नहीं आती हैं, लेकिन ये चॉपर का भी काम करता है, लस्सी बनाने का भी काम करता है और जूस निकालने के लिए तो बेस्ट लगा मुझे। तो 200-300 रुपए में आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बैड डील है, बहुत ही बढ़िया डील है। इस तरह के जूसर केवल अगर आप चाहते हैं कि केवल मौसमी का जूस निकालने के लिए ख़रीदना, तो वो मुश्किल से मुश्किल 150 से 200 रुपये में मिल जाते हैं, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। और ये किस तरह की पैकेजिंग में मेरे को मिला था वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा पल्प था जिसमें जूस बिल्कुल भी नहीं है, बीज हैं, वो सब कुछ आप इजीली स्पून की सहायता से निकाल सकते हैं और आपके पास तैयार है आपका फ्रेश और प्योर मौसमी का जूस। अब मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि मार्केट वाले कैसे बनाते हैं, मतलब मस्ती तो पूरी होती है ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाकर पिलाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगा जूस। तो सबसे पहले थोड़ी सी भूरा ऐड की है, मीन्स पाउडर शुगर, फिर थोड़ा सा काला नमक, सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए। इसी में मिक्स कर लीजिए, अलग से कोई बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करने के बाद
कुछ इस तरह से उछाल भी लीजिए जैसे कि बाजार वाले उछालते हैं, और लीजिए आपका टेस्टी टेस्टी मौसमी का जूस है बिल्कुल तैयार। तो कुछ इस तरह से मेरे हस्बैंड ने इसको सर्व किया, जो पीने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही प्योर था, और केवल 7 मौसमी से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और टेस्टी और 2 ग्लास जूस बनकर तैयार हो गया। तो था ना ये कमाल का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हैं उस चॉपर की कुछ इमेजेस जिस बॉक्स में ये मेरे को मिला था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप लस्सी भी बना सकते हैं, इसके साथ मौसमी का जूस निकालने का एक्सट्रैक्टर भी फ्री मिला था, और वेजिटेबल्स भी कट कर सकते हैं, मीन्स 3-in-1 है और बहुत ही अच्छा है। इस तरह के चॉपर्स आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इसका चॉपर थोड़ा कम पसंद है, मीन्स जिससे वेजिटेबल्स कटती हैं वो थोड़ा हार्ड चलता है।